1992 का साल बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा साल है। आप सोच रहे होंगे कोई बड़ी फिल्म रिलीज हुई होगी या कोई महत्वपूर्ण अवार्ड मिला होगा। ना जी ना, कुछ और हुआ था। इस साल हिंदी फिल्मों को वो सितारा मिला जो आज तक अपनी चमक बिखेर रहा है, शाहरुख खान। नाम तो सुना ही होगा। 1992 में उनकी पहली फिल्म आई दीवाना। उसी साल नसीरुद्दीन शाह और उर्मिला मातोंडकर के साथ बतौर लीड उनकी दूसरी फिल्म आई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आज बॉलीवुड किस्सों में किस्सा सुनाएंगे शाहरुख खान की फिल्म चमत्कार का। ये अपने दौर की पहली हॉरर कॉमेडी थी जिसमें घोस्ट हीरो का दोस्त बन जाता है और उसकी मदद करता है, उसके जरिए अपनी मदद भी करता है। इन्हीं सब में कॉमेडी पनपती है। चमत्कार के लिए सबसे पहले गोविंदा को अप्रोच किया गया था। ये वो दौर था जब गोविंदा अपने पीक पर थे, एक साल में करीब 5 से 6 फिल्में किया करते थे। उन्हें आज के दौर का अक्षय कुमार कहा जाता है। जाहिर सी बात है, गोविंदा के पास डेट्स नहीं थी। तब शाहरुख के पाले में ये रोल आया और शाहरुख ने लपक लिया। फिल्म में नसीर साहब भी हैं, वो चमत्कार जैसी फिल्मों को आर्ट और कमर्शियल सिनेमा में बैलेंस बनाने के लिए करते थे। उन्हें भी पॉपुलर हीरो बनना था, पर उनका मानना था कि वो कमर्शियल सिनेमा में कभी फिट नहीं बैठेंगे। वो कहते थे, मैंने कोशिश की और हर बार असफल रहा, त्रिदेव को छोड़कर। खैर, चमत्कार शाहरुख की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दीवाना रिलीज भी हो चुकी थी, पर उन्होंने सबसे पहले जिस फिल्म के लिए शूट शुरू किया उसका नाम था दिल आशना है। इसे हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था। ये उनके निर्देशन में बनी 2 फिल्मों में से एक थी। चमत्कार का निर्देशन राजीव मेहरा ने किया। आगे चलकर उन्होंने शाहरुख के साथ राम जाने बनाई। इसे उनके पिता की प्रोडक्शन कंपनी ईगल फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही थी। फिल्म को ऑफिशियली राजीव के भाई पीसी मेहरा प्रोड्यूस कर रहे थे, पर हर फिल्म में उनके पिता एफसी मेहरा का कुछ न कुछ दखल तो होता ही था। एफसी मेहरा चाहते थे कि शाहरुख को चमत्कार रिलीज होने तक अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए, पर शाहरुख ने तो अपनी पहली फिल्म दीवाना रिलीज होने के पहले ही शादी कर ली। कहते हैं जब मेहरा ने उनसे अभी शादी न करने की बात कही, उनके सामने शादी और करियर में से किसी एक को चुनने को कहा, तो शाहरुख शादी के लिए फिल्म छोड़ने को राजी हो गए। हालांकि मेहरा इस बात से इनकार करते हैं, फिर भी सिनेमाई गलियों में किस्से तो तैरते हैं। 1992 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था, मेरी वाइफ पहले आती है और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, मुझसे करियर और गौरी में से किसी एक का चुनाव करने को कहा जाएगा, मैं फिल्में छोड़ूंगा। शूटिंग से पहले कोई भी चमत्कार में शाहरुख की कास्टिंग से सहमत नहीं था। वो तो एफसी मेहरा थे जिन्होंने शाहरुख के लिए कहा, दिस बॉय विल बी द हीरो। मेहरा परिवार दिवाली पर एक पार्टी होस्ट करता था, इसमें फिल्मी सितारे शिरकत करते थे। ऐसी एक पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंचे। उस समय तक राजीव मेहरा उन्हें चमत्कार के लिए साइन कर चुके थे। दुबले पतले शाहरुख ने फटी हुई जीन्स पहन रखी थी। उस दौर में हट्टे कट्टे एक्टर्स को पसंद किया जाता था। शाहरुख इकहरे बदन के थे और उनकी हाइट कम थी। पार्टी में मौजूद लोग मेहरा से उनके बारे में कह रहे थे, ये आपकी अगली फिल्म का हीरो होने वाला है, आपको हो क्या गया है। राजीव के पिता एफसी मेहरा कहा करते थे कि फिल्मकार को दूसरों की नहीं अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए। यही हुआ। इन सब बातों का असर राजीव पर बिल्कुल नहीं हुआ। उनके भाई उमेश का कहना था कि आप इस तरह दूसरे लोगों की चिंता करेंगे तो कभी फिल्म नहीं बना सकेंगे। पिता नए टैलेंट को मौका देते थे, वो इस बात पर रोते नहीं थे कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। शाहरुख और उर्मिला मातोंडकर दोनों चमत्कार के समय बॉलीवुड में नए थे। दोनों की मुलाकात इससे पहले नहीं हुई थी। पहली बार वो चमत्कार के सेट पर मिले। इसी अजनबियत के चलते उर्मिला शाहरुख के साथ एक शॉट करने में बहुत असहज महसूस कर रही थी। फिल्म में एक गाना है, बिच्छू ओ बिच्छू। ये गाना उस दौरान खूब चला था। उर्मिला कहती हैं, इस गाने को फिल्माने में हमें बहुत मजा आया था, पर इसी गाने का एक सीक्वेंस शूट करते समय उर्मिला बहुत नर्वस हो गई थी। उन्हें इस गाने में एक जगह शाहरुख को लात मारनी थी। अब उर्मिला ये करें तो करें कैसे, बस 2 मिनट पहले ही उनकी शाहरुख से मुलाकात हुई थी। वो अनकंफर्टेबल थी, टेक्स पर टेक्स हुए जा रहे थे और वो शाहरुख को किक ही नहीं मार पा रही थी। वो जैसे ही कैमरे के सामने आती घबरा जाती। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा। तब जाकर शाहरुख ने उनसे बात की, उर्मिला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सच में नहीं कैमरे के सामने मुझे किक मारनी है। तब जाकर उर्मिला थोड़ा सहज हुई और आखिरकार वो शॉट फाइनल हुआ। बॉलीवुड फॉरेन फिल्मों से इंस्पायर होता रहा है। चमत्कार भी 1968 में आई अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ब्लैक बियर्ड्स घोस्ट से इंस्पायर्ड थी।
ठीक ऐसे ही अनु मलिक और बप्पी लहरी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर विदेशी गानों से धुन उठाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इसी फिल्म को लेते हैं, चमत्कार एक भूत की कहानी है। अनु मलिक साहब के भी गाने शायद 3 अलग अलग भूतों ने कंपोज किए हैं, या उन्होंने विदेशी गानों से प्रेरणा ली होगी। बिच्छू गाना खूब मशहूर हुआ था। एक ट्रेन के भीतर फिल्माए गए इस गाने में उर्मिला उनके दोस्त एक बिच्छू की खोज में है और इसी दौरान शाहरुख का पीछा कर रहे हैं। गाने का बढ़िया फिल्मांकन है, पर इस गाने की ट्यून के पीछे असली दिमाग अनु मलिक का नहीं था। इसकी ट्यून सबसे पहले 1961 में आए इंस्ट्रूमेंटल आई विल फॉलो हिम के लिए कंपोज की गई थी। इसे फ्रेंच कंपोजर फ्रैंक पार्सल ने बनाया था। बाद में ब्रिटिश सिंगर पेटोला क्लार्क ने इस ट्यून का इस्तेमाल करते हुए 1962 में चैरियट नाम से एक गाना बनाया। बिच्छू और बिच्छू की धुन जिस गाने से सबसे ज्यादा मेल खाती है वो है चैरियट और आई विल फॉलो को मिलाकर बनाए गए लिटिल पैगी मार्च के एक अप टेम्पो सॉन्ग से, जिसे उन्होंने महज 14 साल की उम्र में कंपोज किया था। दूसरा गाना है जवानी दीवानी। खास बात यह है कि इसकी ट्यून का कुछ हिस्सा बाजीगर के गाने ये काली काली आंखें से मिलता है। हालांकि वो गाना भी कई विदेशी धुनों की खिचड़ी है, उस पर बात फिर कभी। उस गाने को भी अनु मलिक ने ही कंपोज किया था। खैर, जवानी दीवानी की शुरुआती 4 लाइन को बोनी एम के बहामा मामा से एज इट इज उठाया गया था। तीसरा चमत्कारी सॉन्ग है ओ मेरी नींदे चुराने वाले। अनु मलिक पर इसकी धुन भी चुराने का आरोप लगा और उन्होंने ये धुन चुराई थी अमेरिकन रॉक बैंड डॉक्टर हुक के व्हेन यू आर इन लव विद अ ब्यूटीफुल वुमन से। हालांकि वो बप्पी लहरी से 11 साल पीछे रहे। बप्पी दा ने इस धुन को 1981 में मेरे जैसी हसीना का दिल में इस्तेमाल किया था। व्हेन यू आर इन लव विद अ ब्यूटीफुल वुमन की शुरुआती 7-8 लाइन बप्पी लहरी और अनु मलिक ने एज इट इज उठाई है। आपके लिए पूरा किस्सा लिखा था हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूँ मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।